तो ये है कि ऐसा रहा है मसला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने का रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ये मसला मैं कम होता हुआ देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे में अब वो सकत वो ताकत नहीं है कि हम वहाँ पे इस तरह की ऑफशूट्स को फंड करें और उसके बाद इंटरनेशनली हम बच जाएं, क्योंकि अब ऐसा हो नहीं सकता। डिस्पैरिटी हिंदुस्तान की और हमारी जो पहले थी वो बहुत ज्यादा आउट नंबर कर गए हैं। भारत आज कहाँ पे खड़ा है बताने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी होगी बाय 2030 और पाकिस्तान अल्लाह ना करे खाकम बदन, लेकिन डिफॉल्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? बेसिकली जो दहशतगर्द जन्म लेती है ना, वो शिद्दत पसंदी से जन्म लेती है, और शिद्दत पसंदी वहाँ पर होती है जहाँ पर माइंड मेकिंग की जाती है, और ये माइंड मेकिंग कोई 10-8 साल की नहीं होती है, माइंड मेकिंग कई बरसों की होती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसी कारण से पाकिस्तान की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब हो चुकी है और पाकिस्तान ने आतंकवाद को इतना बढ़ावा दिया है कि अब पाकिस्तान में खुद आतंकवाद जो है उनके लिए कांटा बन चुका है और इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो चुकी है और वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे सफ़र करना पड़ रहा है। दोस्तों वहीं पर अब पाकिस्तान के लोगों का ही कहना है कि हमने जो आतंकवाद को फैला के बहुत गलत किया है और अब हमारी इतनी औकात नहीं कि हम भारत के खिलाफ जो आतंकवाद को बढ़ावा दे सकें और जिहाद कर सकें। दोस्तों जिसके बाद अब पाकिस्तान के लोगों को समझ आ चुका है कि उन्हें अब जिहाद को बंद कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों उनके भारत के साथ दुश्मनी के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, वो भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। और इसी पर जो है एक पाकिस्तानी एलिटिस का कहना है कि हमने जो है भारत से दुश्मनी की, वहीं पर दूसरी तरफ बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ था आज वो देखो कहाँ पर पहुँच गया। दोस्तों आज की हमारी वीडियो पूरी इसी टॉपिक पर होने वाली है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अब बिना किसी देर के वीडियो को लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लगता यही है कि पाकिस्तान में किसी ने आवाम की वेलफेयर का नहीं सोचा, इसीलिए पैसे कमाने नहीं आते। हमारी इंपोर्ट इतनी ज्यादा, एक्सपोर्ट कोई है नहीं, और एक्सपोर्ट कैसे आती जब इंडस्ट्री चलने दी नहीं गई। तो लगता यही है कि पाकिस्तान ने पैसे कमाना 70 साल से सीखा ही नहीं, सिवाय जंगों से कारोबार करने के। तो इसीलिए अब अगर वो जंग बंद हो गई, कारोबार भी बंद हो जाएगा, तो इस सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज होना पड़ेगा और ये फैसला करना पड़ेगा कि आवाम रियासत के लिए या रियासत आवाम के लिए होती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की जरूरत है। उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज का कि लेके रहेंगे आजादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहां पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहां पर क्योंकि कम्युनिटी ओप्रेस हो रही है तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊँची और दरियाओं से गहरी और शहर से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। मैं तो अभी मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की, जिसपे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी, कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार, वो गद्दार है असल में। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने बुचर ऑफ गुजरात है या कौन है, जो बिलावल साहब ने कह दिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के आवाम, जहाँ रेबीज की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हों, उनके असाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ, हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने टू नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब जरा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मजाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खत्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट,
तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़के जिंदा नहीं रह सकती, इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खत्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज्म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज अ पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। आपको इसकी क्या वजूहात नज़र आती हैं कि पाकिस्तान के को इतना बैडली इमेज बनाया गया इंटरनेशनल फॉर्म पे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया गया है, हमें सो कॉल्ड एक टेररिस्ट मुल्क कहा जाता है, इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना जियोग्राफिकली, वो बड़ी अच्छी है। हम लोग जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे एकदम कहते हैं स्टार्ट में है, इंडिया हमारे से पीछे, और जो पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट आती है या इंपोर्ट आती है चाइना, वो भी हमारे रास्ते में ही है। तो जो सीपैक है वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर पाकिस्तान की कहते हैं इमेज सही हो गई तो अमेरिका को खतरा है, गल्फ स्टेट्स को खतरा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन जाएगा। तो उस चीज़ के लिए उसको वो मैनिपुलेट करने के लिए कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े, और पाकिस्तान को जो मौके मिल रहे हैं वो कम से कम मिलें, जितने भी बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करें, इस चीज़ को वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर रहे हैं और ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इमेज ख़राब हो और पाकिस्तान को जो मौके मिलने जा रहे हैं वो ना मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे जो है पाकिस्तानी लोग कह रहे थे कि हमने आतंकवाद को बढ़ा के काफ़ी बुरा काम कर दिया है और आज हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन है कि पूरे दुनिया आज हमें नहीं पूछ रही है। वहीं पे पाकिस्तान को इस वक्त जो है कर्जा देने के लिए भी कोई भी तैयार नहीं है। वहीं पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ भारत पर विश्वास करती हैं, बल्कि दूसरी तरफ पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करती हैं। पाकिस्तान की हालत इस वक्त जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है, इसी वजह से पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान को एक अलग नज़र से देखा जाता है और उनको एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, जिससे कि पाकिस्तानी लोग काफ़ी ज़्यादा सफर भी होते हैं लेकिन वे कह नहीं पाते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।